सो गाइस ट्रैफिक लाइट सेटअप पार्ट टू इज नाउ लाइव। अब ये सिस्टम है इम्प्रोवाइज ट्रैफिक लाइट सेटअप। अब हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया है, हमने क्या किया है कुछ रूल्स लाए हैं, जैसे कि हमने इसको टाइम बेस्ड बना दिया है। अब आप इस सेटअप को अप्लाई करेंगे 1 बजे के बाद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप दिन में कितने ट्रेड लोगे, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे आपको टारगेट क्या रखना है। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि आप जो हाफ क्वांटिटी है उसको एग्जिट करोगे 1:1 पे, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है आप उसको डे एंड तक होल्ड करोगे, जिसका मतलब है 3 बजे तक। क्लियर है? अब जो भी डेटा और जो भी स्ट्रैटेजी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, वो सारे इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टैट्स। ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करिए, समझिए, आप खुद भी अपनी बैक टेस्टिंग करिए और फिर अपने लिए डिसीजन बनाइए। वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको एंड में वापस मिलूंगा। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो अब हम एक अच्छी सीरीज लाने वाले हैं, किस तरह ऑप्शंस बाइंग के अंदर आप राइट स्ट्राइक प्राइस, राइट स्टॉप लॉस, राइट एग्जिट स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हो। मिलते हैं एंड में। वी आर बैक विद द ट्रैफिक लाइट सेटअप इंप्रोवाइज स्ट्रेटजी। तो हमने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लाएंगे इंप्रोवाइज स्ट्रेटजी। तो क्या फर्क है इंप्रोवाइज स्ट्रेटजी में? तो इसमें बेसिकली हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है एक सिस्टम, यानी आप उसमें एंट्री रूल्स क्या होंगे, एग्जिट रूल्स क्या होंगे, एसएल क्या होगा, प्रॉपरली हमने हर एक चीज एक्सप्लेन की है। इस स्ट्रेटजी का क्रेडिट जाता है सुभाषीष पन्नी सर, पावर ऑफ स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं हमने कैसे इंप्रोवाइज किया स्ट्रेटजी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं ट्रैफिक लाइट सेटअप बेसिकली है क्या। तो ट्रैफिक लाइट सेटअप इज बेसिकली बेस्ड ऑन पेयर ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल। आपको मार्केट में आना है, देखना है एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, सिंपली उसका हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है। जैसे ही हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, उसके बाद आपको वेट करना है कि उसका हाई या लो ट्रिगर हो। जैसे ही हाई या लो ट्रिगर होगा, जो भी साइड होगा, आपको उसमें उस साइड एंट्री कर लिया है। अब इस केस में आप जैसे देख सकते हो, ये हाई है, ये लो है, इसमें मैंने मार्क कर लिया। जैसे ही इसका लो ट्रिगर हुआ, मैंने इसमें एंट्री कर ली और इसका स्टॉप लॉस जो होगा इसके हाई पर होगा, राइट। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि टाइम फ्रेम उसमें क्या था, 5 मिनट्स, इसमें भी क्या है, 5 मिनट्स है, राइट। एंट्री टाइम क्या है इस सिस्टम में, 1 PM। उसमें क्या था, हम पूरे दिन में कभी भी एंट्री कर सकते थे, यानी सुबह से हम एंट्री कर रहे थे, पर इसमें हमने क्या किया है, एंट्री खाली 1 बजे के बाद करेंगे, यानी सेकेंड हाफ में हम ट्रेड करेंगे। और नंबर ऑफ ट्रेड जो होंगे मैक्स टू मैक्स 2 पर डे, उसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है। तो इससे हम क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे और हम कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे मार्केट में। तो आइए समझते हैं रूल्स क्या है इस सिस्टम के। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ट्रेड। तो 2 ट्रेड लेने हैं, उसमें से फर्स्ट ट्रेड कैसा होगा वो देख लेते हैं, क्या होगा उसमें, रूल्स क्या होंगे। तो वी नीड टू स्पॉट अ पेयर ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल ओनली आफ्टर 1 PM। जैसे आपको बताया कि आपको 1 बजे के बाद आना है और आपको चार्ट पर देखना है 1 बजे के बाद कि रेड और ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है या ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है। मार्क हाई एंड लो ऑफ द पेयर एंड एंटर एट द साइड ऑफ द ब्रेकआउट। जैसे आपको अभी समझा है कि हाई एंड लो मार्क करना है, जिस साइड पर ब्रेकआउट हो रहा है उस साइड एंटर करना है। इफ द पेयर हाई एंड लो इज ग्रेटर देन 100 पॉइंट्स देन द पेयर इज इनवैलिड, इंस्टेड वी फाइंड अनदर पेयर विच इज लेस देन 100 पॉइंट्स। तो मान लीजिए कभी कभी वॉलेटिलिटी में क्या हो जाता है ना, मार्केट ना बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हैं, 250 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, राइट, 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, तो ऐसे बहुत सारे कैंडल्स बड़े बड़े बना देते हैं। तो उस केस में हमें क्या होता है, स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो पेयर 100 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स से नीचे होगा उसी को ही कंसिडर करना है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जो आपका पेयर है वो 100 पॉइंट्स से ऊपर होगा तो आपको वो कंसिडर नहीं करना है, इंस्टेड आपको मूव ऑन करना है नेक्स्ट पेयर ढूंढने के लिए जो 100 पॉइंट्स से नीचे है। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, वी विल टारगेट एटलीस्ट 1:1 एंड बुक 50% एट 1:1 एंड लीव अदर हाफ एट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आपने क्या देखा अभी, आपको पेयर जो ढूंढना है 100 पॉइंट से कम, आपको एंट्री करनी है और आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, हाई ऑफ द पेयर कैंडल, हाई एंड लो मार्क किया के बाद आपको हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ही 1:1 हो जाए आपको क्या करना है, उस पर 50% क्वांटिटी बुक करनी है, 50% क्वांटिटी आपको करनी है बुक। और उसके बाद जो अदर हाफ क्वांटिटी होगी, अदर हाफ जो बचेगी आपकी 50%, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको बाइंग पर लाके छोड़ देना है और पूरे डे एंड तक आपको ट्रेड करना है वो। तो ये सिंपली है फर्स्ट ट्रेड का रूल। ओके, फर्स्ट ट्रेड का रूल मिल गया आपको। तो मूव ऑन करते हैं सेकंड ट्रेड की तरफ। आप सेकंड ट्रेड कब लोगे, क्यों लोगे, सेकंड एंट्री रूल आप देखिए यहाँ पे क्या है, इफ फर्स्ट ट्रेड इज प्रॉफिटेबल वी विल नॉट एंटर सेकंड ट्रेड। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रेड आपने एंटर किया वो प्रॉफिट में है, राइट, आपने उसे बुक किया प्रॉफिट, तो आप सेकेंड ट्रेड नहीं लोगे, सेकेंड ट्रेड आपको लेना नहीं है। ओके, आफ्टर एसएल इन फर्स्ट ट्रेड। तो आपको सेकेंड ट्रेड ओनली तभी लेना है जब आपके फर्स्ट ट्रेड में होगा एसएल। ओके, फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल होगा तो ही आप जाओगे सेकेंड ट्रेड में।
तो आफ्टर एसएल इन फर्स्ट ट्रेड वी हैव टू फाइंड अ न्यू पेयर फॉर एंट्री बिलो और अबव आर एसएल लेवल्स। तो ओरिजिनल रूल ऐसा था हमारे पिछले वीडियो में, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आपका एसएल हिट होता है, राइट, अभी जिस केस में आपका एसएल हिट होता है, यहां पर आपने एंट्री पेयर ढूंढा, आपने हाई लो मार्क किया, आपकी एंट्री हो गई और एसएल हिट हो गया, तो उसका रूल क्या था, आप इमीडिएटली आप उस साइड में एंट्री कर लोगे, यानी जिस साइड भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उस साइड आप एंट्री कर लोगे। तो इस केस में हो रहा क्या था प्रॉब्लम कि हमने एक चीज नोटिस की मार्केट में, यहां पर एग्जिट होगा, राइट, यहां पर आपका एग्जिट होगा, तो एग्जिट के बाद आप सेकंड पोजीशन जब लोड करोगे तो कैंडल ऑलरेडी बहुत ऊपर चली गई होगी, बहुत ऊपर, तो आप इसमें प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा बड़ा। तो हमने ये एक प्रॉब्लम स्पॉट की कि यार डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सेकंड ट्रेड में ना, क्योंकि आपका ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में ऐसे लीड हो रहा है, आप जब तक दूसरे ट्रेड में पोजीशन लो तब तक एक बड़ी कैंडल बन गई तो आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या रूल बनाया जान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल में। देखिए, इफ द फर्स्ट ट्रेड वॉज टेकन ऑन सेल साइड, यानी ये आपने फर्स्ट ट्रेड लिया सेल साइड पर, दैट इज बेरिश एंड आर एसएल गेट्स हिट, यानी आपका एसएल हिट हो गया इन दैट ट्रेड, देन आर सेकंड एंट्री विल बी ऑन बाय साइड ओनली, वी विल बी बायस्ड ऑन बाय साइड। तो उसका रूल ऐसा है कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया एसएल हिट हो गया, तो आपको सेकंड ट्रेड कभी लेना है, जब भी आपको नेक्स्ट पेयर मिलेगा, नेक्स्ट पेयर यानी रेड और ग्रीन या ग्रीन या रेड का कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा तभी आपको सेकंड ट्रेड लेना है। तो इस केस में देखते हैं एग्जांपल के साथ, तो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैं इसके बाद ढूंढूंगा सेकंड पेयर जहां पे मुझे मिलेगा, तो सेकंड पेयर मुझे कहां मिला, यहां पर मिला, देखिए, और यहां पे लो, ये हाई और लो है, तो जैसे ही इसका हाई ट्रिगर होगा मैं एंट्री लूंगा, और इसका लो ट्रिगर हुआ तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं खाली बायस्ड हो जाऊंगा जिस साइड मेरा एसएल हिट हुआ। ये हम समझेंगे और अच्छे से चार्ट्स पर, तो चलिए हम्मद सर कैरी ऑन करेंगे चार्ट्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट के ऊपर कैसा वर्क कर रहा है सिस्टम, देखते हैं कैसे ट्रेड लेना है, क्या पहचानना है, कब ढूंढना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। आने आपको 1 बजे, ठीक है, 1 बजे मार्क कर लेंगे, मतलब कितना 12:55 की कैंडल मार्क कर लो, 12:55 की कैंडल जैसे हमने मार्क कर ली, उसके बाद हमको स्पॉट करना है एक पेयर, पेयर दिख रहा है आपको, पेयर मतलब क्या, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल। अब मैं थोड़ा इसमें जूम इन करूंगा आपको साइकोलॉजी समझाने के लिए, ठीक है, 12:55 की कैंडल मार्क कर ली, इसका मतलब क्या, जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी अपना क्या, एक बज जाएगा, ठीक है, 1 बजे के बाद हमको स्पॉट करना है एक पेयर, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल, ठीक है। जैसे आपने इसका हाई लो मार्क कर लिया, इसके अंदर हो क्या रहा है, पहले बायर्स आए फिर सेलर्स आए, मतलब क्या, एक छोटी सी रेंज बन गई, बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं, जैसे रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो आपको उस साइड मोमेंटम देखने मिलेगा। तो आपको क्या प्लान करना है, इधर फिर आपने देखा इधर किधर ब्रेकआउट आया, हाई के ऊपर, राइट, स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे, फिर 1:1 का वेट करना है, 1:1 जैसे कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो इधर 1:1 कंप्लीट हो गया, 1:1 पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है और रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी रहेगी हम उसको ट्रेल करेंगे बाइंग के ऊपर और डे एंड तक के छोड़ देंगे। डे एंड मतलब कितने बजे, 3 बजे आपको स्क्वायर ऑफ लेना है, ठीक है, अभी 3 किधर बजे, ये वाली कैंडल पे, तो अभी 3 बजे अगर आपने एग्जिट ली होती ये आपका ट्रेड होता 1:6.9। अभी हर किसी का प्रॉफिट बुकिंग का जो रहता है प्रोस्पेक्टिव या फिर उनका स्टाइल अलग अलग होता है, तो एज अ बिगिनर कोई भी स्टाइल आप फॉलो करोगे सबसे बेस्ट यही होता है कि आप डे एंड तक के छोड़ दो ट्रेड को, 3 बजे स्क्वायर ऑफ कर लो, ठीक है, ये क्लियर है सबको ट्रेड। नेक्स्ट डे पे चलते हैं, नेक्स्ट डे पे जैसे जाएंगे हम देखेंगे 12:55 की तरफ, 12:55 परफेक्ट। अभी आपको क्या करना है, 12:55 के बाद एक पेयर स्पॉट करना है, ये रहा हमारा पेयर, इधर क्या हो रहा है, बायर्स आए सेलर्स आए दोनों में फाइट चल रही है, जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा हम उधर ट्रेड लेंगे, राइट, देखिए इधर आया ब्रेकआउट, स्टॉप लॉट शुड नॉट बी मोर देन 100 पॉइंट्स, याद है ना सबको, राइट, हमने ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया, एंटर करने के बाद हम वेट करेंगे 1:1 का, इधर 1:1 हो चुका, रिमेनिंग क्वांटिटी बाइंग के ऊपर ट्रेड कर लो और डेंट तक के होल्ड करो। अभी इधर तो आया नहीं पर ऑप्शन चार्ट पे शायद इधर एग्जिट मिल गई रहेगी, तो ये ट्रेड आप 1:1 पकड़ लो, ठीक है, अगर इधर एग्जिट नहीं मिलती ऑप्शन चार्ट पे तो नियर अबाउट आपको 3 बजे के आसपास डेंट तक के होल्ड करने के लिए नियर अबाउट 3.8 का आरआर मिलेगा, ठीक है। अभी डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन सिनेरियो, अगर आपने फ्यूचर्स लिया है तो आपको एग्जिट डेफिनेटली नहीं मिलने वाली क्योंकि बाइंग के ऊपर आया नहीं, राइट। फिर हम नेक्स्ट डे जाएंगे देखने के लिए क्या कर रहे हैं, 12:55 मार्क कर लेंगे, ठीक है, 12:55 मार्क कर लिया, उसके बाद हमें ढूंढना है एक रेड और एक ग्रीन कैंडल। आप देख पा रहे हो ये दिख रहा है कि नहीं सबको, ये अभी इधर हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग डे, ठीक है, अभी इधर हमारा सेकंड ट्रेड भी वैलिड होगा, ये तो जब अभी तक के हमने जितने भी देखे सब में एक ही ट्रेड मिला, ठीक है, सब में एक ही ट्रेड मिला, अभी सेकंड एंट्री भी ट्रिगर होने वाली है, वो कैसे ट्रिगर होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हो बायर्स आए इधर, सेलर्स आए इधर, बायर्स आए, मतलब एक रेड और एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है पेयर आपको, यस, जैसे लो ट्रिगर हो गया आपने शॉर्ट कर दिया और आपका हाई आपका एसएल है, ठीक है, 1:1 मिला क्या, नहीं मिला, पहला ट्रेड चले गया लॉस में, अगर पहला ट्रेड लॉस में चला गया तो ही दूसरा ट्रेड वैलिड है। अभी दूसरा ट्रेड जो पहले सुभाषिश सर का वीडियो था उनके अंदर लॉजिक कैसा था, फॉर एग्जांपल इधर इधर एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट आ गया,
ब्रेकआउट आने के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन स्टॉप लॉस चले जाता है आपको नीचे साइड एंट्री लेनी शॉर्ट साइड के लिए, पर वो फिजिबल नहीं लग रहा है हमको मार्केट के अंदर रियल टाइम में, क्योंकि जब तक आप एंट्री लोगे वो मार्केट इधर रहेगा, फिर आपने एंट्री करेंगे हाई पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हमने ये डिसाइड किया है वी विल वेट फॉर अनदर पेयर, ठीक है, और हमारा व्यू इधर रहेगा बायस्ड, मतलब अगर फर्स्ट हमने एसएल दिया है सेल साइड में तो इधर क्या हो गया है जो सेलर्स है वो इधर ट्रैप हो गए, मतलब इधर देख सकते हो आप इधर सेलिंग आई वो सेलिंग ट्रैप हो चुकी है, तो अभी हमारा व्यू सिर्फ बायस्ड साइड है, बाइंग साइड है, बायस्ड रहेगा हमारा व्यू, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट पेयर जो स्पॉट किया है वो ये रहा, ठीक है, स्टॉप लॉस इन पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 100, है क्या 100 के ऊपर नहीं है, तो ये वैलिड है, यस वैलिड है। अभी इसका हाई लो किधर ट्रिगर हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट इधर ट्रिगर हुआ, क्या ये लो वैलिड है, क्या इधर हम एंट्री लेंगे, नहीं हम इधर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है, बुलिश है, राइट, हम सिर्फ लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, तो जैसे हाई ट्रिगर हो गया हम इधर लॉन्ग एंट्री प्लान कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि इधर हाई पे ट्रिगर हो गई, राइट, ये रहा हमारा पेयर, ठीक है, इसका हाई इधर ट्रिगर हुआ, हाई ट्रिगर होने के बाद लो अपना स्टॉप लॉस, और आप देखो ये भी एक स्टॉप लॉस ट्रेड निकला, तो दो ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लेने, दोनों भी ट्रेड जो लिए इस दिन में वो दोनों स्टॉप लॉस थे, पार्ट ऑफ द गेम। आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे, आगे आने के बाद देखेंगे तो हम फिर से मार्क कर लेंगे 1255, ये रहा 1255। अभी इधर हमको ढूंढना है पैर, पैर दिख रहा है आपको इधर क्लियर कट, ये रहा क्लियर कट पैर, राइट। अभी इधर क्या हुआ पहले, क्या हुआ पहले, बायर्स आए सेलर्स आए, मतलब इधर तगड़ी फाइट चल रही छोटी सी रेंज के अंदर, जैसे वो रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा आप एंट्री लेंगे, ब्रेकडाउन आया, यस आ गया, स्टॉप लॉस देख लो लेस देन 100 पॉइंट्स है, यस वैलिड है, ट्रेड लिया आपने, फिर से स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अभी आगे देखो होता क्या है, अभी डायरेक्टली इधर एंटर करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि जब तक आप एंटर करोगे कैंडल इधर पहुंच चुकी रहेंगी। अभी हमें फिर से एक पेयर स्पॉट करना है, ये रहा पेयर, राइट, ये पेयर हमने स्पॉट किया। अभी ये पेयर का हाई लो मार्क करना है, अभी ब्रेकडाउन पे आप देख सकते हो इधर ब्रेकडाउन आया, क्या हम ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे, नहीं हम एंट्री नहीं लेंगे, ये एंट्री वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने सेल साइड अपना एसएल दिया है, तो अपना जो व्यू रहेगा वो सिर्फ बाइंग साइड रहेगा, तो सिर्फ आप पोजीशन लेंगे तो बाइंग साइड लेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है अगर बाइंग की साइड हमने पोजीशन ली, तो ये रहा हमारा बाइंग का पोजीशन, ये रहा हमारा एसएल 79 पॉइंट्स का लेस देन 100 पॉइंट्स, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों, क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है, ये लो तीन बजे तक एग्जिट, पहले क्या करेंगे 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, 1:1 किधर हुआ, इधर हो गया 1:1, ठीक है, इधर अपनी हाफ 50% क्वांटिटी बुक कर लो, उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी बाइंग के ऊपर ट्रेल कर लो, और 3 बजे तक के मार्केट खोलना नहीं है, फिर या तो वो स्टॉप लॉस दे देगा या तो आपको आपके टारगेट देगा, नियर अबाउट आपको मिला है 5:1 के आसपास 3 बजे, परफेक्ट, समझ में आ रहा है सबको। फिर से एक लास्ट देख लेते एक्सप्लेनेशन के लिए, 1255 मार्क कर लिया, 1255 मार्क करने के बाद पैर ढूंढना है अपने को, पैर, ठीक है, पैर का क्या मतलब होता है, इधर सेलर्स आए बायर्स आए दोनों भी इधर है जो फाइट कर रहे हैं, राइट, जैसे उनका रेंज का ब्रेकआउट आएगा ब्रेकडाउन आएगा हम शॉर्ट करेंगे, मुझे इधर ब्रेकडाउन दिख रहा है हमने इधर शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स 133 पॉइंट्स का है, तो क्या ये वैलिड है, नहीं 133 पॉइंट्स नॉट वैलिड, तो ये वाला पेयर वैलिड है क्या, नहीं, तो आपने देखा 100 पॉइंट्स का वैलिड, 100 पॉइंट्स के ऊपर है, तो तुरंत ही अगला पेयर ढूंढो, अगला पेयर इधर दिख गया, नेक्स्ट पेयर वॉज वैलिड फॉर अस, देख रहे, तो जिसका हाई या लो ट्रिगर होने के बाद हम एंटर करेंगे, हाई लो किधर ट्रिगर हो गया देखेंगे, इधर ही ट्रिगर हो गया लो 76 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्या ये वैलिड ट्रेड है, यस वैलिड ट्रेड है, क्या इसमें 1:1 मिला, नहीं, क्या हमने स्टॉप लॉस दिया, यस हमने स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। अभी डायरेक्टली इधर एंटर करेंगे क्या, नहीं, अभी आप इधर देखो होता क्या मार्केट में, अभी तो हमारा ट्रेड हो गया, हमने इधर स्टॉप लॉस दे दिया, अभी हमें इधर न्यू पेयर स्पॉट करना है, ये हमने कर लिया न्यू पेयर स्पॉट, राइट, इसको मेजर कर लेंगे, बिलो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अभी एंट्री किधर वैलिड है, शॉर्ट साइड वैलिड है क्या, नहीं, क्योंकि हमने सेलिंग साइड अपना फर्स्ट एसएल दिया है, तो अपना व्यू सिंपल हो गया, बाइंग साइड के लिए बायस्ड हो गया, अभी हम एंट्री लेंगे तो सिर्फ लॉन्ग लेंगे, और आप देखो हमने एंट्री ली और हमें एसएल देखने को मिला, कोई बात नहीं, वॉलेटाइल डे। आगे बढ़ते हुए 1255 मार्क कर लेंगे, 1255 ये रहा 1255, ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अभी 1255 के बाद पेयर किधर मिला, यहां मिला, राइट, मिला पैर सबको, उसके बाद एंट्री किधर ट्रिगर हुई, सेल साइड के लिए, ये रही आपकी सेल साइड एंट्री, 40 पॉइंट्स का एसएल, 1:1 आपने बुक किया इधर ही, ठीक है, 1:1 इधर ही बुक किया, रिमेनिंग क्वांटिटी बाइंग पे ला के रख देंगे, उसके बाद मूव देखो इतना अच्छा मिला, मिलने के बाद बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इतना बढ़िया मूव आने के बाद 1445 को मार्केट में क्या हुआ, वो अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करा गया, ठीक है। तो इधर आपको आरआर कितना मिला, 1:1 ओनली, इतना बड़ा मूव मिलने के बावजूद, कोई बात नहीं। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे पे आ गए हम, नेक्स्ट डे पे आते से ही हमको क्या दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है इधर, 1255 मार्क करने के बाद एक पेयर दिख रहा है, राइट, पेयर वैलिड है,
पेयर वैलिड है, राइट वैलिड है ना, बढ़िया। तो इसके लो पे एंट्री हो गई ट्रिगर, फर्स्ट एंट्री लो पे ट्रिगर हो गई, ये रही लो पे एंट्री, ये आई पे हमारा स्टॉप लॉस। तो क्या हो गया इधर, एक स्टॉप लॉस ट्रेड, ठीक है स्टॉप लॉस ट्रेड है, कोई बात नहीं। अभी जैसे स्टॉप लॉस जाएगा हमें न्यू पेयर स्पॉट करना है, ये रहा न्यू पेयर, आप देख रहे हो ये रहा फिर से न्यू पेयर। सेल साइड एंट्री ट्रिगर करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ बाइंग करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमने सेल साइड एंट्री दी है, राइट। ये आपका एसएल 1:1 ऑलरेडी डन, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन डे एंड तक के कैरी करेंगे, नेक्स्ट डे पे 1255 मार्क कर लो, 1255 मार्क कर लिया। उसके बाद आपको स्पॉट करना है एक पेयर, 1255 देखने के बाद एक पेयर अगर हम स्पॉट करेंगे वो बन रहा है नियर अबाउट इधर, राइट। इधर क्या चल रही है, बायो सेलर्स की फाइट चल रही है, छोटी सी रेंज बन गई, जैसे ही कोई भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा हम एंटर करेंगे। इधर हमने एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस रख लिया 44 पॉइंट्स का, और आपको मिला पहले 1:1 बहुत ही नजदीक जल्दी से, उसके बाद आपको अचीव हुआ 1:5। बट द कैच इज हम होल्ड करेंगे 3 बजे तक के, तो 3 बजे कुछ इधर बाइंग के ऊपर आपकी एग्जिट हो गई, ठीक है 1:1 बुक किया आपने इसमें भी, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो, सिस्टम पसंद आ रहा हो, इम्प्रोवाइज करके दिया गया है ये सिस्टम। इस सिस्टम का खासियत ऐसी है कि आपका व्यू बायस्ड हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट एसएल दे दिया तो, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। बैकटेस्ट डेटा तो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, देखते हैं बैकटेस्ट डेटा में सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया है, पूरा एनालाइज करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच, ये देखते हैं गाइस सिस्टम कैसा बिहेव किया है पूरे बैकटेस्ट के पीरियड में। तो ये बैकटेस्ट का पीरियड सेम है जो हमने रॉ सिस्टम बैकटेस्ट में किया है, यानी दिसंबर 26 से लेके आई थिंक मार्च 31 तक पूरा बैकटेस्ट किया है। तो हम देखते हैं दोनों में क्या फर्क था दिसंबर से लेके मार्च तक, और सिस्टम ने कितने ट्रेड्स दिए दोनों में, क्या दिया, राइट। तो इसमें भी हमने सेम चीजें कंसिडर किया, सीरियल नंबर, डेट, टारगेट, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कितना था, और हमने उस ट्रेड में कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, आरआर कितना कैप्चर किया, राइट। तो अभी देखते हैं ये सिस्टम रिपोर्ट, तो ये है रॉ सिस्टम रिपोर्ट और ये इम्प्रोवाइज सिस्टम रिपोर्ट है। तो इसमें क्या है, टोटल ट्रेड्स लिए थे हमने 100, यानी दिसंबर से लेके हमने मार्च तक टोटल 100 ट्रेड्स लिए, और इसमें एक्यूरेसी थी कुछ 54%। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो सेम सिस्टम है, खाली हमने जो रूल्स चेंज किए, दिन में 2 ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें हमें कितने ट्रेड मिले, 79 ट्रेड्स फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, और उसमें हमें एक्यूरेसी थी 47 ट्रेड्स मिले और 32 लॉस थे, और इसमें थे 54 ट्रेड्स और 46 लॉस। तो आप अगर एक्यूरेसी की बात करो दोनों की, तो इसमें एक्यूरेसी थी 54% एंड इसमें एक्यूरेसी है 60%, जब हमने जो इम्प्रोवाइज किया है सिस्टम उसके बाद। और इसमें हमारे जो बिगेस्ट विनिंग ट्रेड है वो है 550 पॉइंट्स, और बिगेस्ट लूजिंग ट्रेड है 98 पॉइंट्स का, यानी 100 पॉइंट्स हमने मार्केट को दिए और 550 पॉइंट्स हमने मार्केट से एक्सेप्ट किए। और विनिंग स्ट्रीक क्या थी सिस्टम की, 7, और लूजिंग स्ट्रीक क्या थी, 4। ओके गाइस, तो यानी विनिंग स्ट्रीक का मतलब ये होता है कि बैक टू बैक हमें कितने प्रॉफिट्स हुए, और लूजिंग स्ट्रीक यानी बैक टू बैक कितने लॉस हुए, सिंपल है। एंड देन हमारा एवरेज विनिंग ट्रेड कितना था, 132 पॉइंट्स, यानी ऑन एन एवरेज हम जब भी ट्रेड में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज हम 132 पॉइंट्स मार्केट से बाहर लेके आ रहे हैं, एंड जब भी हम लूज कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 67 पॉइंट्स लूज कर रहे हैं, और एवरेज स्टॉप लॉस हमारा कितना था, 65 पॉइंट्स का एवरेज स्टॉप लॉस था। ओके गाइस, एंड देन अगर आप देखो टोटल आरआर गेन, आरआर आपने कितना कैप्चर किया टोटल, तो आप यहां कर अगर आप देखो तो एवरेज यहाँ पर अगर आप देखो टोटल आपने आरआर कैप्चर किया है 58 पॉइंट्स, अगर आप इसमें देखो 58 आरआर कैप्चर किया, यानी अगर आपने 1 लाख रुपीज डिप्लॉय किए होते सिस्टम में पूरे 3-4 महीने जो भी हमने बैकटेस्ट किया है, तो आपको उसमें रिटर्न ऑन एन एवरेज कुछ 58% के आसपास मिला होता एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज, राइट। इसमें अगर आप ब्रोकरेज इंक्लूड करोगे तो मान लीजिए 40-45% के आसपास आपको रिटर्न मिल गया होता इस सिस्टम से, तो काफी बढ़िया सिस्टम है ओवरऑल। तो आई होप आपको मजा आया ये बैकटेस्ट की डेटा देखकर। सो गाइज, अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वीडियो इत्मीनान से देखा है। अब आपका एक बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए दैट जय, आपने जो बैक टेस्टिंग की है वो आपने की है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन हम तो ट्रेड करने वाले हैं ऑप्शंस बाइंग, तो क्या हमें ये बैक टेस्टिंग ऑप्शंस बाइंग के ऊपर नहीं करनी चाहिए? और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये सेटअप एक्चुअल लाइव मार्केट में ऑप्शंस बाइंग में किस तरह परफॉर्म करता है, तो मेक श्योर आप कमेंट करिए #ऑप्शंस बाइंग, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपकी जो बैक टेस्टेड डेटा है और रियल ऑप्शंस डेटा है, जो आपका रियल रिजल्ट है, वो क्यों अलग आता है। उसके लिए आपको इस वीडियो को भरपूर लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। द क्रेडिट फॉर दिस वीडियो ऑब्वियसली गोज टू 1 एंड ओनली सुभाषिश सर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।